शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें सब्सक्राइब करने के लिए आपको आना है यूट्यूब में यूट्यूब में आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है मन टू ऑनलाइन देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम ये देखिए मन टू मन टू ऑनलाइन यहाँ आ गया देखिए यहाँ से आ, आपको मंटू ऑनलाइन पे आना है यहाँ से देखिए सब्सक्राइब का बटन है यहाँ से सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएँ को तो बताने जा रहे हैं बहुत ही कम के इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में जो कि बहुत ही यूजफुल है उन पर्सन के लिए जिसको इंग्लिश समझने में बहुत दिक्कत आती है कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती है उनको बहुत तरह की दिक्कत होती है मैसेज करने में पढ़ने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहले हमें चलना है प्ले स्टोर में हम आ गए ये देखिए प्ले स्टोर में आ रहे हैं यहाँ पर हमें टाइप करना है गूगल जी डबल ओ जी गूगल ट्रांसलेटर देखिए ये आ गया गूगल ट्रांसलेटर यहाँ पर देखिए मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है तो जैसे आप सर्च करोगे यहाँ से आप इंस्टॉल करना तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए हम इसको ओपन कर लिए अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें देखिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश कर रखा है और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं आपको जौन सी करनी है यहाँ से आप किसी भी भाषा को अपनी मनपसंद भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो चलिए हम पहले इसको इंग्लिश ही रहने देते हैं और यहाँ से देखिए अगर हमें इंग्लिश को हिंदी करना है तो हमें यहाँ इंग्लिश और यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करना पड़ेगा देखिए हमने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर रखा है अब यहाँ पर हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया अब यहाँ पर देखिए हम कुछ चलिए हम कुछ लिख के देख लेते हैं तो चलिए हम लिख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंग्लिश में टाइप कर लेता हूँ देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश में टाइप किया और यहाँ पर हिंदी ऑटोमेटिक आ गया तो अब यहाँ से हमें इस पर क्लिक करना है अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ इंग्लिश हमने लिखा है और यहाँ पर उसका हिंदी ट्रांसलेट होके आ गया तो अगर आप चाहते हैं कि इसको मान लीजिए हमें कहीं पर लिखना होता है तो अब यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे कॉपी करके इसको हम चाहे तो कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं चलिए हम जैसे अपने फ़ोन में नोटबुक निकाल लेते हैं अब देखिए यहाँ से हम नोटबुक में आपको निकाल के दिखा रहे हैं चलिए यहाँ पर देखिए अब हमने जो वहाँ से जो कॉपी किया था अब यहाँ से चलिए यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं देखिए ये आ गया अब कहीं से भी आपको जैसे अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ देखो यहाँ से मैं इसको कॉपी किया और हमें ये हिंदी में कॉपी किया है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है चलिए यहाँ से हम इसको काट देते हैं अब यहाँ से देखिए यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से हिंदी और यहाँ से इंग्लिश हो गया अब यहाँ से हम इसको यहाँ पेस्ट कर दें वहाँ से जो कॉपी किया आप देखिए यहाँ हमने हिंदी में पेस्ट किया और यहाँ ऑटोमेटिक उसका इंग्लिश आ गया तो आपको यहाँ से अब इसको कॉपी करके कहीं भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं यहाँ से अपनी मनपसंद भाषा कोई भी आप यहाँ से कर देखिए अलग अलग लैंग्वेज है यहाँ पर इंडिया से ले से फॉरेन कंट्री से लेकर इंटरनेशनल भाषा सारी है जैपनीज लीजिए अमेरिकन इटालियन सारी भाषा यहाँ पर आपको मिल जाएगी यहाँ से आप बड़ी आसानी से कोई भी भाषा को अपनी मनपसंद भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं और यहाँ से अभी कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा आपको यहाँ पर देखिए हमने साइन इन कर रखा है ऐड अकाउंट पर आप जाके साइन इन कर सकते हैं कुछ इसके स्पेशल सेटिंग्स देख लेते हैं चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको वॉइस कमांड देना पड़ेगा अब एक एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ अब यह, देखिए यहाँ पर पहले हम इसको कट कर देते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे तीन ऑप्शन है तीन ऑप्शन में से सबसे पहले मैं आपको कैमरे पर ले चलता हूँ देखिए कैमरे पे आने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से आप देखिए यहाँ पर इंस्टेंट लिखा हुआ अगर हम मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है अभी जो हमने फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक पेपर लिया है जो कि इंग्लिस में है अब यहाँ पर हमने हिंदी से इंग्लिश को कर रखा है अब यहाँ से हमें इंग्लिश से हिंदी करना है अब देखिए मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ अब देखिए यहाँ पर हमें पुश है ट्रांसलेट यहाँ पर हमें ट्रांसलेट करना है अब देखिए अब देखिए देखिए कमाल की क्या चीज़ है यहाँ पर इंग्लिश में पेपर ले था अब यहाँ पर ये आपको इंस्टेंटली हिंदी में करके दे रहा है और ये अच्छे से समझ जाओगे आप इसमें बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश को हिंदी में करके अपने मोबाइल से ये स्कैन कर रहा है सीधा अब देखिए ये पूरा हमें इंग्लिश का पेपर है चलिए हम अच्छे से कर लेते हैं एक बार चलिए देखिए हिंदी में आ गया सारा देख सकते हैं आप इंग्लिश का पेपर है आप देख लीजिए अब चलिए ये तो आपका ये हो गया अब मैं दूसरे चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए लिखा है स्कैन फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझ ना आ रहा हो देखिए इंग्लिश का पेपर है जिसको मैंने अभी हिंदी में करके दिखाया था आपको फ़ोन से अब देखिए यहाँ पर बीच वाला बटन स्कैन का है तो अब ये हम यहाँ से इसकी पिक्चर ले लेंगे जो भी हमें जिस चीज़ में हम इंग्लिश में समझ नहीं आ रही चलिए यहाँ से हमने इसको स्कैन कर लिया अब हमें देखना ये है अगर हमें जितना हमने पूरा जो एरिया हमने स्कैन किया है अगर हमें सबको हिंदी में करना है तो हम यहाँ से ऑल सेलेक्ट करके यहाँ पर देखिए ये सारा हिंदी में आ गया वो जो भी इंग्लिश में था वो सारा ये हिंदी में आ गया अब हम बड़ी आसानी से इंग्लिश पेपर को हिंदी में करके ऐसे करके पढ़ सकते हैं अब एक चीज़ में आपको और देखिए ये सारा जो भी इंग्लिश में था ये इंग्लिश का अब यहाँ पर हिंदी आ गया अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप फिर से हम चलते हैं कैमरे में और यहाँ से तीसरा चीज़ ये जो है अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी फ़ोटो है कोई भी आपके पास फ़ोटो है जो कि इंग्लिश में लिखा है मान लीजिए ये एक फ़ोटो है मेरे पास जो इंग्लिश में लिखा है अब इसको स्कैन कर रही है जो भी यहाँ इंग्लिश में लिखा होगा वो हिंदी में आ जाएगा अब देखिए अब हमें सबको कर दिया सब को सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ से ऑल सिलेक्ट करके अब यहाँ पर हम देख लेते देखिए यहाँ भी सब हिंदी में आ गया तो आप ये भी समझ गए अब देखिए फिर से हम बैक आ जाते हैं अब यहाँ पर देख लीजिए ये तीसरा ऑप्शन जो है ये है तो आप समझ गए होंगे आप कि इसको कैसे यूज़ करते हैं आप यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता ही है यहाँ पर आप जो भी टैप करेंगे यहाँ से हम पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश में सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम इंग्लिश में लिख लेंगे ऑटोमेटिक हिंदी आ जाएगा और यहाँ से अगर आपको हिंदी करना है तो यहाँ से बीच वाले को कर दिए यहाँ से आप आगे हिंदी और फिर इंग्लिश ये तो आपको बड़ी आसानी से मैंने समझा दिया तो बहुत ही आसान है इसे आपको यूज़ करना तो आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और जिसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती बोलने में या लिखने में वो इससे बहुत ही आसानी से अपना काम निकाल सकते हैं कोई भी दिक्कत होगी तो वो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जिसको भी इंग्लिस की प्रॉब्लम है ये ऐप मैं खुद भी यूज करता हूँ जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती तो मैं उसको इसमें ट्रांसलेट कर लेता हूँ तो मैं सोचा कि आप लोग को बता दूँ आप लोग के कुछ काम आए तो इतना ही था आज का ये वीडियो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को मंटू ऑनलाइन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें थैंक यू फ्रेंड्स आपको मैं लास्ट में बता देता हूँ कि आप अगर आपको मेरा चैनल नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आप यूट्यूब में जाएंगे देखिए मैं यूट्यूब में गया अब यहाँ से आपको सर्च करना है मंटू ऑनलाइन ये देखिए मंटू ऑनलाइन आ गया यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप इस पर आएंगे और ये देखिए यहाँ पर जो यहाँ से लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है यहाँ से आप सब्सक्राइब कर देंगे और ये बगल बे, बगल में बेल आइकन है इसको भी दबा लेंगे ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आपके पास लेटेस्ट वीडियो में जो भी डालूँ आपके पास सीधा पहुँच जाए तो चलिए ख़त्म करते आज का ये वीडियो